हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, फिर चलते हैं हमारी आज की न्यूज की तरफ। देखो, आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्वेश्चन की फॉर्म में काफ़ी सारा करंट अफेयर है उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, तो आप जो क्वेश्चन हैं इनको ध्यानपूर्वक है वो कंप्लीट करो, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनको अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करें तो हमें थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है और किस किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं वो होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आया है सी व्हीगल को लेके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि एक सी एनिमल है जो कि तमिलनाडु के कोस्ट में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि यह फर्स्ट कोस्टल वॉरशिप है जो कि अंडमान और निकोबार में प्लेस की गई है। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि यह एक फर्स्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट है वो की गई है। और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज न्यूली डिस्कवर्ड सी बेल्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात कोस्ट एरिया में ही नया सी बर्ड है उसको डिस्कवर किया गया है। तो देखो, जैसा हम सब लोग जानते हैं, हमने करंट अफेयर में भी कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था कि सी वेगल है वो इंडिया की पहली कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा भी होस्ट है, आयोजित है, वो की गई है। तो ध्यान रखना आपको कि सी वेगल का पहला एडिशन है वो इसी बार आयोजित किया गया था इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आया है वो है ब्लैक बॉक्स को लेके। इसके बारे में हमने कल ही आर्टिकल है वो डिस्कस किया था। पहला आर्टिकल, पहला स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मली जो फीमेल ब्लैक बॉक्स होती हैं उनमें हिरन सींग है सॉरी वो नहीं पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि ये है वो लिस्ट कंसर्न लिस्ट में डाला गया है IUCN की रेड लिस्ट में। और तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं और इसके साथ ही जो जाली होती है या हम बोल सकते हैं कि बाड़ वगैरह लगी हुई होती है वायर्स की, वो इसके लिए सबसे बड़ा इश्यू होता है, मैं सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से इनकी संख्या रैपिडली कम हो रही है। तो देखो, हम यहाँ पे इसके बारे में पॉइंट जाने, हमने ऑलमोस्ट पॉइंट तो ऐसे डिस्कस किए थे, बट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूँ कि ब्लैक बग्स हैं उनमें जो फीमेल होती है नॉर्मली उनमें सींग है वो नहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी में नहीं पाए जाते, नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, कुछ में होते भी हैं कुछ में नहीं भी। और दूसरे स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि IUCN की लिस्ट कंसर्न लिस्ट में उनको इंक्लूड किया गया है थिएटन के आधार पर। और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं और इसी के साथ ही जो बाड़ वगैरह मेड वगैरह लगी हुई होती है वायर वगैरह की, तो वहाँ पे उनके सींग फंस जाते हैं और वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हम बात करें तो डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्लेशियर लेक को लेके। अब देखो, ग्लेशियर लेक है क्या, आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन एक बार देखिए वीडियो को पॉज करके और आप बताइए कि ग्लेशियर लेक कौन सा एक, मतलब यहाँ पे चारों में से कौन सा एक वैलिड है जो कि ग्लेशियर लेक को डिफाइन है वो करता है। आपने आई होप सोच लिया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ग्लेशियर लेक के बारे में। देखो, ग्लेशियर लेक मेनली कब बनती है, जैसे कि मान लो ये कोई यहाँ पे पहाड़ी एरिया है और ये यहाँ पे उसके ऊपर ग्लेशियर जमा, मतलब बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं। अब गलती से जैसे कोई भी ऐसे रीजन्स हो सकते हैं कि यहाँ से ग्लेशियर का एक हिस्सा ये टूटा और नीचे जो ज़मीन का हिस्सा है यहाँ पे आके गिर गया। अब ये देखो, गिरेगा यहाँ पे आके तो ऑब्वियसली गड्ढा तो बनेगा, ये क्रेटर जैसे खड्डा सा बन जाएगा और वहाँ पे ग्लेशियर है वो बन जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे पिघलने लग जाएगा तो जो एक लेक सी बन जाएगी ना, खड्डे के अंदर एक झील सी बन जाएगी, उसको कहते हैं मेनली ग्लेशियर लेक। तो वो यहाँ पे हम बात करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि जब ग्लेशियर इरोड होकर लैंड पे गिरते हैं और उसके बाद वो मेल्ट हो जाते हैं तो जिस गड्ढे में वो गिरे हैं वहीं पर जो झील बन जाती है उसको मेनली ग्लेशियर झील के नाम से जानते हैं। फिर देखो, बाकी जो स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली गलत है, हमें पहले स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे पता है वो चल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनेस्को हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि 2019 का जो ईयर है ना उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स के तौर पर मनाया है हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड, मतलब ये प्रोक्लेम किया गया है कि भाई 150वीं जो एनिवर्सरी अभी आई है किसकी, दिमित्री इनोलिच और मेंडेलियो। अब है कौन ये, देखो हम एक बार इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। जो ये दिमित्री इनोलिच मेंडेलियो है ये एक्चुअली वही पर्सन है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था। तो अभी उनका 150वीं बर्थ एनिवर्सरी आई थी और उसी मौके पर यूनेस्को ने उनको सम्मान देने के लिए ही ध्यान, वो मतलब सम्मान देने के लिए स्टेप है वो उठाया। तो देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यूनेस्को ने 2019 के ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। देखो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल आती थी जिसमें एक साइड हीलियम सीक्वेंस वगैरह हम याद करते थे, तो उसी की पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे बात है वो की जा रही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हम यहाँ पे करेक्ट है वो हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदू कुश हिमालय को लेकर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, एक बार आप दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या, अगर आप एक बार देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड में, जो कि ऑलमोस्ट 8 कंट्री को कवर करता है, चाइना से लेके थाईलैंड तक। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हिंदू कुश हिमालय है इसके जो ग्लेशियर है ना वो एक्चुअली 10 विश्व के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है वो निकलती हैं, जिसमें येलो रिवर और मेकोंग रिवर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की तो आपने सोच लिया होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी तरीके के क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। देखो यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हिंदू कुश हिमालय है ना वो एक्चुअली म्यांमार के ईस्ट तक ही फैला हुआ है, ना कि थाईलैंड थोड़ा आगे चले गए। तो ये हमें ध्यान में रखना है, अफगानिस्तान से लेके फिर वेस्ट वाले हिस्से की हम बात करें यहाँ पे ईस्ट में तो म्यांमार तक है फैला हुआ है। कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें? अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, म्यांमार आता है, नेपाल और पाकिस्तान, ये 8 कंट्रीज हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो 10 इंपॉर्टेंट रिवर हैं इस वाले एरिया की वो इसी मतलब हिंदू कुश हिमालय के रीजन से ही निकलती हैं, और उनमें इंपॉर्टेंट रिवर की हम बात करें तो गंगा रिवर भी इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर, येलो रिवर और मेकोंग रिवर है, और जो इरावदी रिवर है जो कि म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर है जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन है वो भी पाई जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है वो है। तो जो मेन रिवर है ये सारी वहीं से निकलती हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है केल्प्स के बारे में। अभी हमने 2 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था केल्प्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि केल्प्स हैं वो एक प्लांट होते हैं और जो दिखाई देते हैं हमें ब्राउन एल्गी की तरह। पहले स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट पहला ये कह रहा है कि केल्प्स आर प्लांट दैट लुक सिमिलर टू ब्राउन एल्गी, मतलब ब्राउन एल्गी की तरह वो हमें दिखाई देते हैं जबकि वो प्लांट होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि दे थ्राइव इन कोल्ड, मतलब वो ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं और जो न्यूट्रिशन मतलब पानी में काफ़ी ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वहाँ पे वो आराम से सर्वाइव वो करते हैं। हमें यहाँ पे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो हम बात करें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की तो पहला स्टेटमेंट आप एक बार गौर से पढ़िए, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नो डाउट सेकेंड स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। उल्टा कैसे? केल्प्स हैं वो एक्चुअली ब्राउन एल्गी होते हैं, मतलब एक तरीके के ब्राउन सवाल होते हैं और ये हमें प्लांट की तरह दिखते हैं। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ये रहा है कि केल्प्स हैं वो प्लांट होते हैं और हमें ब्राउन एल्गी की तरह वो दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको रियल फैक्ट ये है कि केल्प्स हैं वो ब्राउन एल्गी होते हैं और वो प्लांट की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट क्या है, मतलब गलत हो गया। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है केल्प्स के बारे में। अभी ये न्यूज़ में भी आया था, देखो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इन पे भी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत बुरी तरीके से भी प्रभावित है वो किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पेंगोलिन। पेंगोलिन देखो आपने देखा होगा काफ़ी बार न्यूज़ वगैरह में रहता भी है। पेंगोलिन में आपको दे दूँ कि जो मेनली चींटियाँ वगैरह होती हैं, आंट वगैरह, उनको खा के अपना जीवन यापन है वो करता है। तो 20 की संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है और भी काफ़ी बार न्यूज़ में भी आता है। मेनली जो पेंगोलिन है इनका शिकार है वो चाइना के हिस्से में किया जाता है और कुछ कई बार म्यांमार के हिस्से में भी इनकी तस्करी वगैरह की जाती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो पेंगोलिन है ना वो एक्चुअली एक रेप्टाइल है, मतलब सरीसृप की प्रजाति है जिसकी तस्करी काफ़ी ज़्यादा की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडियन पेंगोलिन है वो 8 पेंगोलिन की प्रजातियों में से एक है जो कि इंडिया के हिस्से में पाया जाता है और यह मेनली क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN की। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात यहाँ पे की गई है तो देखो जैसा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। पेंगोलिन की दुनिया भर में 8 स्पीसीज पाई जाती हैं, 4 एशिया में है, 4 अफ्रीका में है, और जो 4 एशिया में पाई जाती है ना उनमें से 2 तो अकेले इंडिया में ही पाई जाती है, ना कि एक, तो दूसरा तो गलत हो गया अपने आप में। बात करें पहले की, पहला गलत इसलिए है क्योंकि यह जो पेंगोलिन होता है वो एक रेप्टाइल नहीं है, यह एक्चुअली एक मेमल है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेमल्स में काउंट होता है, ये रेप्टाइल में इंक्लूड है वो नहीं होता है। रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंग रेंग के चलते, जैसे कि सांप हुआ वो, और मेमल्स वो होते हैं जो नॉर्मली पैरों की हेल्प से वैसे चलते हैं, तो ये हमें ध्यान में डिफरेंस रखना है। अब हम देखते हैं हमारी कुछ आज की डिस्कशन, 2 ही आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे आज तो उनको हम कवर कर लेते हैं। पहला है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, एक स्पेलिंग देखो बहुत अच्छी लिखी गई है, इसको आप करेक्ट कर लेना। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या पॉइंट है वो देखते हैं। देखो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है ना
उसके द्वारा हमारे देश में या जो पब्लिक प्लेसेस की हम बात करें या फिर डोमेस्टिक लेवल पे बात करें या फिर जो वर्क प्लेस हैं वहाँ पे वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ताकि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, वो आराम से वहाँ पे काम कर सकें, सेफ्टी को फील कर सकें, इसके लिए 3 इनिशिएटिव उठाए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, दूसरा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम ISSO, और तीसरा है यहाँ पे सेफ मेट्रोपोलिटन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल। अब है क्या इन तीनों का, हम एक बात थोड़ा वो देखते हैं। देखो जो तीनों ही इनिशिएटिव हैं, एक तो वैसे आंसर राइटिंग तो इनका यूज कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया था, आपको बताया, अभी एक नए प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर वुमेन कहीं से भी से कैब वगैरह करके कहीं भी जा रही हो, ओला उबर जैसे भी हो, तो उनके अंदर उनको एक बटन मिलेगा, पैनिक बटन, उसकी हेल्प से अगर उन्हें सेफ फील नहीं हो रहा है तो उसको प्रेस कर देंगी, तो उसके आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कैब की, और फिर उनको तुरंत जो भी सहायता है, जो भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड है वो वहाँ पे करवाई जाएंगी। और इसीलिए पूरे ऑल इंडिया में एक सिंगल नंबर भी डिसाइड किया गया जिसको है 112। इसकी हेल्प से एक्चुअली जो भी मतलब अलर्ट वगैरह है वो दिया जाएगा पुलिस वगैरह को या फिर आसपास जो भी वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है वो, और फिर वुमेन को सेफ्टी है वो इंश्योर है वहाँ पे की जाएगी, मतलब आपातकालीन या फिर इमरजेंसी कंडीशन में उनको हेल्प है वो मुहैया करवाने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब देखो यहाँ पे हम ये देखें कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इसमें क्या होगा, इमरजेंसी के टाइम पे वो 112 नंबर डायल करके या फिर जो पावर बटन होता है फ़ोन का, स्मार्टफोन का, उसको जल्दी जल्दी 3 बार प्रेस करके मतलब जो अलर्ट है वो जारी कर सकती हैं वुमेन। और जो दूसरा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम है ISSO, ये एक्चुअली जो वर्क प्लेस में सेक्सुअली हरासमेंट वगैरह किया जाता है तो उनके लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए बनाया गया है। और तीसरा जो यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है सेफ मेट्रोपोलियन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल, इसमें क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कोई भी मेट्रो, जैसे मान लो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, ऐसी सिटीज हैं वहाँ पे कौन कौन से एरिया सेफ नहीं है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी वल्नरेबिलिटी होती है, तो उन एरिया के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, कैमरा वगैरह है वो ज़्यादा इंस्टॉल किया जाएंगे, और जो गश्त वगैरह है पुलिस का वो इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि वुमेन को सेफ फील है वो करवाया जा सके। तो ये इनिशिएटिव वहाँ पे उठाए गए हैं। अब यहाँ पे हम देखें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के बारे में, इसमें देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर है वो बनाया है, मतलब एक सेंटर होगा वहाँ पे अगर आपने इमरजेंसी में कोई भी नंबर डायल किया हो आपातकाल के दौरान 112 वगैरह वुमेन ने, तो वो एक्चुअली जो पास का डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर होगा जिले का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, और फिर वहाँ से जो व्हीकल वगैरह होंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, उसकी हेल्प से जो सहायता है या फिर जो रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये ध्यान रखना कि इसके लिए जो फंड दिया गया है इस प्रोग्राम के लिए, हम बोले ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसका जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक फंड बनाया था निर्भय फंड, उससे दिया है। तो ये आपको अमाउंट कितने वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि निर्भय फंड से जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को सिक्योर है वो किया जा सके। इसके साथ ही एक पोर्टल भी बनाया गया था जो है स्कीम पोर्टल। स्कीम पोर्टल हमें ध्यान में रखना है ये है किस लिए, देखो जो स्कीम पोर्टल है वो मेनली सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया गया है, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मोटो क्या था, अभी हमने इसके बारे में आर्टिकल भी डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मोटो है कि वुमेन को सेफ्टी है वो इंश्योर की जा सके, मतलब वो सेफ फील करें, इसके लिए इनिशिएटिव उठाया गया है। और जो स्कीम पोर्टल है वो ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा बनाया गया है, ये थोड़ा कन्फ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि देखो मेनली जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, जो इनिशिएटिव हैं, वो तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हैं ही हैं, बट यहाँ पे जो पोर्टल बनाया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होगा, जो ऑनलाइन ट्रैकिंग वगैरह होगी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया गवर्नमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो रहेंगी कि सिटी को सेफ बनाने के गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव उठा रही है, कौन कौन से एरिया कैसे वल्नरेबल है, वहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी उनको मुहैया करवाई जा रही है वुमेन को, और कौन कौन से वर्क प्लेस में कैसे क्रिमिनल वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर रहेगी। एक तरीके से ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया गया एक एविडेंस के तौर पे। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है वो है गुरु रविदास को लेके। देखो गुरु रविदास की अभी रिसेंटली 642वीं एनिवर्सरी है वो मनाई गई थी, तो उसी उपलक्ष में है, हमारे लिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस होता है गुरु रविदास। देखो ये 14th सेंचुरी थी, उस टाइम के महान संत थे और रिफॉर्मर थे, और भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट था उनको उनमें इनका अद्वितीय कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। मेनली ये वाराणसी से बिलोंग है वो करते थे, और इनके द्वारा काफ़ी सारी कविताएं हैं वो लिखी गई थी काफ़ी सारी। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इनकी पोइम है वो है यहाँ पे आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड की गई है 41 पोइम में। इसके साथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का जो धार्मिक बुक है उसमें भी काफ़ी सारे टेक्निकल के जो दोहे वगैरह हैं उनको यूज है वो वाणी है वो इंक्लूड हैं वो की गई हैं।
तो ये हमें ध्यान में रखना कि कौन कौन से धर्मों में इनका वर्चस्व है या कौन कौन से धर्मों में इनकी बातों को इंक्लूड है वो क्या गया है। वो मैंने जो गुरु रविदास हैं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ है वो कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए, मतलब कि कास्ट जो सिस्टम है जातिवाद हमारे देश में उसके अगेंस्ट, और इसी के साथ ही जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है इसकी जो कुप्रथाएं थी उनके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप में वो उठाए थे। तो ये गुरु रविदास का जो अद्वितीय कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमने इसके कुछ फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।